हेलो एवरीवन, हम जॉ क्रिएटर में लॉग इन कर चुके हैं। सो हमें आप एक स्क्रैच से एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम एक एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है कि स्क्रैच से बनाना चाहते हो या फाइल इंपोर्ट करना चाहते हो, या इनबिल्ट अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। सो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्क्रैच। क्रिएट एप्लीकेशन का नाम लेते हैं। सपोज करो कि हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट की एक एप्लीकेशन बनाते हैं। क्रिएट दिस एप्लीकेशन करते हैं। अब हमारे पास एम्प्लॉय की एक एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। इसमें हमें एक फॉर्म, सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम न्यू क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करते हैं। अभी हमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन है कि हम कौन सा इंपोर्ट कर सकते हैं या स्क्रैच से बनाना है, तो स्क्रैच पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जाते हैं एम्प्लॉय डिस्क्रिप्शन, जिससे वो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म में यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे मल्टीपल फील्ड्स टाइप हैं। लाइक अगर फील्ड का एम्प्लॉय का नाम लेना चाहते हो तो हम नेम की फील्ड यूज़ कर सकते हैं, लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पे हम दे देते हैं एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम में इसको मिलिट्री अगर हमें रिक्वायर्ड सेट करना है तो हम मिलिट्री इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप प्रीफिक्स लाइक मिस्टर, मिस, मिसेस प्रीफिक्स यूज़ करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक यू कैन सी द ऑप्शंस। और अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो नया तो यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो। अगर रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव भी कर सकते हो। तो इस फिक्स है, इसमें भी आप कुछ ऐड करना चाहते हो इनके बैक लास्ट नेम के बाद अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सेकंड है ईमेल टाइप। हमें एम्प्लॉय की ईमेल लेनी है तो हमने ईमेल के फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है, इसको भी मिडिक्टरी कर दिया है। और हम चाहते हैं कि कोई भी ईमेल डुप्लीकेट रजिस्टर ना हो तो हम यहाँ पर उसको चेक कर देंगे कि डुप्लीकेट ईमेल ना आए, रजिस्टर ना हो। और यहाँ पर हम फील्ड का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, लार्ज, स्मॉल, मीडियम। थर्ड हम ले लेते हैं लाइक फोन नंबर। फोन नंबर में भी हम मैंडेटरी सेट कर सकते हैं, डुप्लीकेट की वैल्यू चेक कर सकते हैं इस अप टू यू, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। और ईमेल हो गई। डेट ऑफ बर्थ के लिए हम डेट टाइप फील्ड ले लेते हैं। उसके बाद हमें जैसे जेंडर लेना है या लाइक जेंडर की एक फील्ड ले लेते हैं जिसमें हमारे पास ड्रॉप डाउन है ऑप्शन होंगे, तो ये ड्रॉप डाउन टाइप फील्ड हो गई। हमने इसमें जेंडर यूज़ किया, हमने दिया हमने जेंडर। यहाँ पे हम इसको एडिट करके चॉइस वन को कर देते हैं, ऑप्शन मेल कर देते हैं। और अल्फाबेट टिक ऑर्डर में यहाँ पर चाहिए हमें तो यहाँ से स्क्रैच
कर सकते हैं अगर हमें इस फील्ड में कुछ और, फिर यूजर से हम अगर अदर टाइप लाइक अदर ऑप्शन देना चाहते हैं तो हम वो भी दे सकते हैं। ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ही यूज़ होगा। मैंने डन किया इस फॉर्म को, एक्सेस इस एप्लीकेशन पे क्लिक किया। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। जैसे अभी मैं बता रहा था कि हमने जेंडर में मेल और फीमेल लिया है और हम चाहते हैं कि एक अदर का ऑप्शन भी हो जिसे वो सिलेक्ट करके कुछ वैल्यू ऐड कर सके, तो हम इसमें इस फॉर्म को दोबारा एडिट करते हैं। जेंडर पे अलो अदर चॉइस, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं ये ऑटो सेव चलता है, ऑटोमेटिकली सेव हो गया। अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ अदर, तो यहाँ पर वो ऑप्शन दे देगा हमें कि हम क्या इसमें और ऐड कर सकते हैं। सो ऐसे हम अदर चॉइस का ये ऑप्शन दे सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। और क्या ले सकते हैं हम, लाइक स्टेटस ले सकते हैं, एक्टिव है या इनएक्टिव है। नंबर फील्ड लाइक हम क्या ले सकते हैं, अभी के लिए हम इमेज ले सकते हैं, प्रोफाइल इमेज। हम सैलरी के लिए करेंसी टाइप फील्ड ले सकते हैं। यहाँ से हम करेंसी टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा करेंसी टाइप यूज कर रहे हो। जैसे आप चाहते हो कि इसका हर एम्प्लॉय का एक यूनिक कोड हमारा ऑटोमेटिकली जनरेट हो, तो उसके लिए हमें ऑटो नंबर फील्ड यूज़ कर लेते हैं। इस फील्ड में हमारे पास एंटर नंबर होंगे और ये कहाँ से स्टार्ट होगा हम वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम, मैं चाहता हूँ कि 100 से स्टार्ट हो एम्प्लॉय कोड, तो मैंने क्या किया है 100 सेलेक्ट कर लिया और इसको दे दिया है रजिस्ट्रेशन नंबर। अभी के लिए इतना ही करते हैं। अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे फॉर्म को, तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, ईमेल, ये आपको सारे फील्ड्स दिख जाएंगे जो मैंडेटरी की है, वो मैंडेटरी आ गया, साइन आ गया है। इसमें आप बोलोगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर के फील्ड नहीं आई, तो वो ऑटोमेटिकली चलती है, इसलिए वो हाइड हो जाती है, वो शो नहीं होती। लेकिन जब आप कोई एम्प्लॉय रजिस्टर करोगे तो वहाँ पे उसका नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर रहेगा। जैसे मैं करता हूँ रजिस्टर, मान लो मैं राहुल नाम से कोई टेस्ट रिकॉर्ड डाल देता हूँ, testdinkal@gmail.com, फ़ोन नंबर डाल दिया मैंने, कुछ भी डेट ऑफ बर्थ डाल दी मान लो, सपोज करो मैं डाल देता हूँ 20 जेंडर डाल दिया, मेल फीमेल कुछ भी डाल सकते हो, एक्टिव। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि चॉइस 3 भी आ रहा है, इसको रिमूव कर देते हैं हम।
जब रिफ्रेश करोगे तो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, या फिर हम कोई भी प्रोफाइल इमेज लगा लेते हैं और सैलरी डाल देता हूँ सपोज करो 50,000। तो आपको यहाँ पर इसकी रिपोर्ट शो हो रही है नीचे, आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि कैसे हमने एक एम्प्लॉय को रजिस्टर कर लिया है। इस पर क्लिक करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर 100 दिख गया है और यहाँ पे आपको सारी फील्ड्स की वैल्यूज भी दिख रही हैं, कि सैलरी कितनी है, स्टेटस कौन सा है, जेंडर कौन सा है, जेंडर को मेल कर सकते हैं, जेंडर कौन सा है। सो हमने एम्प्लॉय तो रजिस्टर करवा लिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय की सैलरी का एक फॉर्म बना लेते हैं जिसमें जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज ऐड है वो एम्प्लॉयज एक सैलरी फॉर्म बनाते हैं पहले सैलरी कैलकुलेशन के नाम से। हमने क्या किया है मैं बता देता हूँ, आपने क्या करना है एडिट दिस एप्लीकेशन पे जाना है, तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। इस पर यहाँ पर प्लस में ऐड न्यू ऑप्शन है, इस पर अगर क्लिक करते हो तो ये आपको पूछेगा कि फॉर्म बनाना है, रिकॉर्ड बनानी है, या पेज बनाना है, या वर्क फ्लो बनाना है। तो अभी हम फॉर्म बना रहे हैं तो हम फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं, स्क्रैच से बना रहे हैं स्क्रैच पे क्लिक कर दिया है। फिर हम कर रहे हैं सैलरी कैलकुलेशन फॉर्म, अटेंडेंस का भी कर सकते हैं, सैलरी कैलकुलेशन पे कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे समझने चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि जैसे हम यहाँ पे एम्प्लॉयज ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा एम्प्लॉय इस फॉर्म में भी आना चाहिए, जो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो वहाँ पे आना चाहिए, शो होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक फील्ड टाइप होती है लुकअप, इस लुकअप फील्ड को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करें। इस फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे हम फॉर्म सेलेक्ट करते हैं कि किस फॉर्म से हमने एम्प्लॉय शो करना है, लाइक हमने एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन से यहाँ पे शो करना है। हम शो करेंगे एम्प्लॉय का नेम, यहाँ पे हम सेलेक्ट यहाँ पे हम फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि ड्रॉप डाउन में चाहिए, रेडियो में चाहिए, या मल्टी सेलेक्ट चाहिए, या चेकबॉक्स चाहिए। तो हम यहाँ पे फिलहाल ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लेते हैं, मैंने इसको डन किया और यहाँ पे इसको फील्ड नेम एडिट कर दिया। जब आप इस फॉर्म को रिफ्रेश करते हो तो आप यहाँ पर उस फॉर्म जो रजिस्टर हमारे एम्प्लॉय हैं वो आप देख सकते हो। जैसे मैं एक नया एम्प्लॉय अगर ऐड करता हूँ तो करो टेस्ट 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 और स्टेटस में एक्टिव कर देता हूँ, सबमिट कर दिया। और अगर जब आप इसको ओपन करके देखोगे तो यहाँ पर आपको वो शो हो गया है, ठीक है। हमारे पास एम्प्लॉय नेम आ गया, अब हमें क्या करना है उसकी सैलरी। ये शो कर रहे हैं
और इसमें हम ले लेते हैं नंबर ऑफ वर्किंग डेज, काम किया है और कितना मैंने लीव ली है और यहाँ पे लेते हैं फाइनल सैलरी। इस फॉर्म को मैंने रिफ्रेश किया, आपको ये ऑप्शंस शो हो गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं राहुल को सिलेक्ट करूँ तो राहुल की सैलरी इसमें आ जाए और टेस्ट की अगर सिलेक्ट करूँ तो टेस्ट की यहाँ पे सैलरी आ जाए। तो उसके लिए हमें इसका कोडिंग पार्ट करना पड़ेगा। उस कोडिंग पार्ट को कैसे करते हैं, इसकी लैंग्वेज है डिल्यूज, इसको हम यूज़ करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि हम कैसे इसकी सैलरी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। सो हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये एक तरह से यूज़र इनपुट है कि कैसे हम इस फील्ड में कुछ पुट कर रहे हैं, ये यूज़र इनपुट बोलते हैं इसको। तो ये फॉर्म है हमारा सैलरी कैलकुलेशन एम्प्लॉय नेम की यूज़र इनपुट फील्ड पर हम कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। मैंने क्या किया, क्रिएट वर्कफ्लो किया। वर्कफ्लो में यहाँ पर फॉर्म सेलेक्ट किया सैलरी कैलकुलेशन, सैलरी कैलकुलेशन है ठीक है। अब हम किस पर कर रहे हैं, ये क्रिएट पर भी चलना चाहिए और एडिट पर, क्योंकि एडिट करेगा तब रिकॉर्ड, अगर उसने कुछ और सेलेक्ट कर लिया तो हमें तब भी ये सैलरी शो होनी चाहिए। तो हम इसको क्रिएट और एडिट दोनों पर करेंगे। अब हम क्या करना चाहते हैं, यूज़र इनपुट ऑफ अ फील्ड, क्योंकि ये यूज़र इस फील्ड में यूज़र इनपुट कर रहा है कुछ, तो इस इनपुट के ऊपर एक्शन परफॉर्म करवाना है। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम में हम कुछ यूज़र इनपुट फिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर वर्कफ्लो का नाम दे देते हैं शो, फिल सैलरी इनटू सैलरी क्रिएट, क्रिएट वर्कफ्लो किया। एड न्यू एक्शन, अभी ये फील्ड हमें शो तो यहाँ पर नाम कर रही है लेकिन देती हमें एम्प्लॉय की आईडी है, ये ध्यान रखना कि हमें ये आईडी देती है। हम इसको इन्फो एक बार प्रिंट करवा कर देख लेते हैं। जैसे हम इन्फो करेंगे, इन्फो एम्प्लॉय नेम, जब आप कोई वर्ड एंटर करते हो तो वो आपको सजेशन देता है। जैसे इसने मेरे को यहाँ पे सजेशन दे दिया एम्प्लॉय नेम, मैंने इसको इन्फो किया और सेव किया। जब भी मैं इसमें यूज़र इनपुट करूँगा तो वो हमें इसकी आईडी दे देगा, राइट। जैसे मैंने इसको इन्फो किया तो ये लोग में आप चेक कर सकते हो, ये इसने रजिस्ट्रेशन की आईडी दे दी, एम्प्लॉय रजिस्टर की आईडी दे दी। अगर आप चेक करना चाहते हो तो एम्प्लॉय की रिपोर्ट्स में जाओ और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। क्या किया, इसको राइट क्लिक करिए, ओपन न्यू टैब में क्लिक किया, ये हमारी आईडी आई है
इस आईडी को आप रिकॉर्ड की हमें आईडी तो मिल गई है, लेकिन अब हमें इसकी सैलरी निकालनी है। सैलरी जो कि 50,000 है, सो मैंने इसको क्या किया, इसमें हमारी आईडी आई। तो अब हमें इस फॉर्म से डाटा निकालना है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन से आईडी के बेस पर। तो हमने एक वेरिएबल ले लेते हैं रिस्पॉन्स, इसमें हम एक एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का फॉर्म लिया, इसमें हमारी आईडी है, साथ मैच करना है वो इनपुट डॉट एम्प्लॉय नेम है, जो हम एम्प्लॉय में एम्प्लॉय की फील्ड में हम ऐड कर रहे हैं, यूजर इनपुट कर रहे हैं वो। अब हमें क्या करना है कि सैलरी में सैलरी निकालनी है। मैंने एक वेरिएबल ले लिया सैलरी रिस्पॉन्स डॉट, आप डॉट लगाओगे तो आपको यहाँ पे सजेशन देगा वो एम्प्लॉय फॉर्म में, जो यहाँ पर आपने फील्ड्स ली हुई है इन सभी फील्ड्स के हमें ऑप्शन देगा। तो मैंने क्या किया एम्प्लॉय डॉट, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एम्प्लॉय नेम, प्रोफाइल इमेज, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, जेंडर, फोन नंबर, ईमेल, सैलरी, ये हमारा सैलरी ऑप्शन आ गया है। तो मैंने इसको सैलरी पे क्लिक कर दिया है। अब हमें इस फॉर्म की सैलरी में डालना है, ठीक है, सैलरी कैलकुलेशन के फॉर्म में। तो मैंने क्या किया सैलरी मेरे को सजेशन दे दिया इसने, सैलरी इज इक्वल टू जो हमने वेरिएबल में सैलरी डाली है वो। तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इनपुट सैलरी कर लेते हैं, ताकि हमें ये पता रहे कि किस फॉर्म में हम कर रहे हैं। तो ये इस फॉर्म का सैलरी कैलकुलेशन फॉर्म की इनपुट फील्ड है सैलरी, उसमें हमने एम्प्लॉय से निकाल कर सैलरी इसमें डाल दिया है। अब आप चेक करोगे, जब भी आप सिलेक्ट करोगे तो उसमें हमारी सैलरी आ जाएगी। राहुल जी ने सेलेक्ट किया, 50,000 आ गए। अभी देखना यहाँ पर हमें एक एरर आएगा, ये सैलरी टेस्ट टेस्ट में हमारे पास कोई सैलरी नहीं थी, इसलिए उसने इसको ब्लैंक कर दिया। अगर मैं इसको राहुल सेलेक्ट करता हूँ और टेस्ट को, अगर टेस्ट रिकॉर्ड को एडिट करके इसमें सैलरी डाल देता हूँ, और दोबारा से यहाँ पर जाकर टेस्ट चेक करता हूँ, तो आप चेक करोगे कि उसकी सैलरी आ गई। सो ऐसे हम लुकअप फील्ड्स के थ्रू दूसरे फॉर्म से डाटा निकाल कर लेके आते हैं, और उसे हम जैसा हमें यूज़ करना है वैसा यूज़ कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये सैलरी फील्ड है वो डिसेबल रहे, शो ना हो, ठीक है, तो सॉरी एडिटेबल ना हो, ये डिसेबल रहे। तो उसके लिए डिसेबल कब होगी, ये होम यूजर इनपुट पे हमें डिसेबल नहीं करना है, ये हम जब फॉर्म लोड होता है तभी डिसेबल हो, ताकि और स्टार्टिंग से फिल ही ना कर सके इसको। तो हम इसका एक वर्क फ्लो यूज़ करते हैं, न्यू वर्क फ्लो, क्रिएट और एडिट दोनों पर हम इसको डिसेबल रखेंगे। फील्ड रूल ऑन लोड फॉर्म डिसेबल फील्ड्स, डिसेबल फील्ड नेम हम दिए हैं सैलरी, इसको सेव करते हैं। आप चेक करोगे ये फील्ड डिसेबल हो गया। अब इसमें मैं इसको एडिट नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे हम फील्ड्स को डिसेबल कर देते हैं। और अगर हाइड करना चाहो तो हम यहाँ पर हाइड लिख देते हैं, ये हाइड हो जाएगी ऑटोमेटिक। सो मेरे को हाइड नहीं, इसको डिसेबल करना है, मैं इसको डिसेबल कर।
सकती है। बाकी कैलकुलेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, सो प्लीज अगर कोई आपकी क्वेरी है तो मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो डायरेक्टली। थैंक यू।